हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A14 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को आप ना रिकवर कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अपना डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को आप ना दो तरीकों से आप रिकवर कर सकते हैं। पहला तरीका ये होता है, आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग के जरिए ही आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर पाएंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करके आप जो है फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप जो अपने फोन की सेटिंग के जरिए ही आप जो है डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले तो मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूं, ठीक है ना। ये देखिए मैंने फोन की गैलरी को ओपन किया। अब फोन की गैलरी में देखिए यहाँ पर एक ये सबसे ऊपर ये वाला एक फोटो है, ठीक है। इस फोटो को मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सीलिंग फैन है, ठीक है। तो एक ये पंखे की फोटो है। इस फोटो को पहले मैं डिलीट करूंगा, इसके बाद मैं आपको इसे रिकवर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस फोटो को मैं इस तरीके से जो है डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने अलाउ कर दिया। अब देखिए यहाँ से फोटो वो हट चुका है, डिलीट हो चुका है। अब देखिए इस डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर करने के लिए आपको करना क्या है। देखिए आपकी जो फोन की गैलरी है ना, इसमें आपको नीचे की साइड चौथे नंबर पर लाइब्रेरी का ऑप्शन दिखता है, लाइब्रेरी पर टैप करना है। अब ये वाला पेज आएगा, ठीक है। आपका है ना सबसे ऊपर चौथे नंबर पे बीन का ऑप्शन है, बीन पे टैप करना है। अब यहां पर ये बीन का पेज आएगा। बीन का पेज एक तरीके से डिलीट वाला पेज होता है, जो कि आप अपने फोन की गैलरी में जितनी भी फोटो वीडियो आप डिलीट करते हैं वो सारी की सारी यहां पे जमा हो जाती है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहां पर जो मैंने फोटो डिलीट करी थी वो यहां पर भी आ चुकी है। और इस फोटो को रिकवर करने के लिए आपको करना क्या है, फोटो को देखिए बड़ा कीजिए। आपको नीचे रिस्टोर का ये ऑप्शन है, इसे टैप करेंगे तो आपका ये फोटो रिकवर हो जाएगा, फोन की गैलरी में वापस चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर इसका एक दूसरा तरीका भी है रिकवर करने का। देखिए अगर आप इसे जो है उंगली से बाकी रखेंगे ना फोटो को, तो एक राइट टिक लग जाएगा। और इस तरीके से आप जो ना मल्टीपल फोटोज वीडियोज यहां पर एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ काफी सारी फोटो वीडियोज को एक ही साथ रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है देखिए आपको करना क्या है, राइट टिक लगाना, इस तरीके से उंगली से दबा के रखना है, राइट टिक लग जाएगा। इसके बाद आपको नीचे की साइड से रिस्टोर पर टैप करना है, एक ऑप्शन आएगा अलाउ का, अलाउ पर टैप कर देना है, तो आपका इस तरीके से फोटो या वीडियो रिकवर हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर हम चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारी जो फोटो है रिकवर। ये देखिए यहां पर जो है फोटो आ चुकी है, सबसे ऊपर ये पंखे की फोटो है। तो इस तरीके से आप जो है फोटो वीडियो को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी है ना एक लिमिट होती है कि आप कितने दिनों के अंदर जो है उसे रिकवर कर सकते हैं फोटो को, ठीक है ना। इसमें भी एक लिमिट होती है, मैं आपको समझाता हूं लिमिट क्या होती है। देखिए हम बीन वाले पेज में चलते हैं, यानी कि डिलीट वाला। इसमें देखिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ है नीचे 60 डेज, यानी कि 60 दिनों के अंदर, यानी कि लगभग 2 महीने के अंदर आप जो है डिलीट वाली फोटो को अपना रिकवर कर सकते हैं यहां से, ठीक है। और देखिए यहां पर चौथे नंबर पर लिखा हुआ तीसरी लाइन में 30 डेज, यानी कि 30 दिनों के अंदर, यानी कि लगभग 1 महीने के अंदर भी आप जो है डिलीट वाली फोटो को रिकवर कर सकते हैं यहां से। लेकिन अब ये 60 दिन और ये 30 दिन, ये अलग अलग तरीके से कैसे काम करते हैं आपकी फोन की गैलरी में, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये 60 दिन और 30 दिन ना अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसके लिए देखिए समझने के लिए आपको है ना फोन की गैलरी के इस वाले पेज पे आना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपके ना सबसे ऊपर ये राइट साइड के टॉप पर ये जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, जो एस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये प्रोफाइल पिक्चर होती है, ठीक है। इसे प्रोफाइल पिक्चर बोला जाता है। इस पर आप टैप करेंगे ना, सिंगल टैप करेंगे, आपका ये पेज आएगा। इसमें देखिए बैकअप की सेटिंग है, बैकअप इस ऑफ लिखा हुआ है क्योंकि मैंने बैकअप सेटिंग पहले से बंद कर रखी है। तो अगर आप ये नीचे की साइड टर्न ऑन बैकअप, ये मैं इसे जो है अभी यहां पर इसे हटा देता हूँ। ये देखिए दोबारा से आ गया, ये टर्न ऑन बैकअप पे टैप करके अगर आप इसे चालू कर देते हैं बैकअप सेटिंग को, और चालू करने के बाद अगर आप किसी भी फोटो को डिलीट करेंगे ना अपनी फोन की गैलरी से, तो उसे आप जो है ना इस डिलीट वाले पेज से 60 दिनों के अंदर रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जिस डेट को डिलीट करा होगा ना, उस डेट को डिलीट किया होगा, तो उसके आने वाले 59 दिन और, यानी कि 59 डेज और यहाँ पे पड़ा रहेगा, ठीक है। फोटो उसे आप जो है 60 दिनों के अंदर रिकवर कर सकते हैं। 60 दिनों में रिकवर नहीं किया तो वो 60 दिन बाद जो ऑटोमेटिक यहाँ से भी परमानेंट डिलीट हो जाएगा फोटो, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया 60 दिन कैसे काम करता है। और देखिए 30 दिन कैसे काम करता है, यहां पर जो ना आप अगर इस बैकअप सेटिंग को बंद कर देंगे तो वही सेम प्रोसेस है इसका भी, कि अगर बैकअप सेटिंग को बंद करने के बाद किसी फोटो को डिलीट करेंगे तो उसे आप जो है इस बीन वाले पेज से 30 दिनों के अंदर रिकवर कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये 60 दिन और 30 दिन ऐसे काम करते हैं फोन की गैलरी में। और इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है कि कैसे आप जो अपने डिलीट हो चुकी फोटो या वीडियो को रिकवर कर सकते हैं।